सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 16 विच अज आपां कारू दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज भाई मरदाना ते भाई बाला जी नाल वलैत दे रोम देश विच चले गए, जिथे कारू बादशाह रहिंदा हुंदा सी। उत्थे जाके एक वड्डा नगर वेख्या, जिथे महान लोग मर्द इस्त्रियां वसदे सन, किरत करदे सारा दिन बतीत करदे सन, पर कोल धन ना होण करके बड़ा दुख पाउंदे सन। संत ते मेहमान की सेवा नहीं सी करदे, राजा ते प्रजा इको जिहे सन, कोई भी प्रभु का नाँ नहीं सी लैंदा। इस करके अमीर गरीब दोहां प्रकार के लोग उत्थे दुख पाउंदे सन। उन्हां लोकां नूं सुख देण वास्ते गुरु जी ने उस नगरी विच प्रवेश किया, जिथे कारू दा भारी किला सी। उस दे अगे जा के गुरु जी बैठ गए। किले दे दरवाजे ते जिहड़े दरबान खड़े सन, गुरु जी ने उन्हां नाल वचन किया, वलैत दा बादशाह कैसा है, वह फकीरां नूं किन्ना दान दिंदा है, वह प्रजा नाल कैसा न्याय करदा है, उसने हिरदे विच किन्नी क मेहर धारण कीती है। ये सुन के दरबाना ने कहा, इसने प्रजा नूं बहुत दुखी किया है। कारू अत जुल्मी बादशाह है, वड्डा कंजूस है, हमेशा धन चाहुंदा रहिंदा है ते किसे नूं रत्ता भर भी दान नहीं दिंदा। सारी प्रजा इसने लुट ली है। हारून जिहड़ा इसका भरा है, उस पास धन दे 40 खजाने हैं, इसने 45 खजाने जमा किए हैं, सारी वलैत की माया इकट्ठी कर ली है। कोई इंसाफ फरियाद सुनता नहीं, खो के धन लै लैंदा है, दया रहित है, सब नूं दुख दिंदा है, किसी की गल नहीं मानता। वलैत देश के सारे लोग हिरदे विच सोग धार के सदा ही दुखी रहिंदे हन। कई पिंड ही खाली करके उजाड़ा पा गए हन, अते कई फरियाद करते ही मर गए हन। उन्हां पासों ये गल सुन के गुरु जी ने फिर उन्हां दरबाना पासों पुछया, इसने धन किस तरह इकट्ठा किया है, कि यह प्रजा नूं डरा के रखता है, कि इकला ही धरती विच दब दिंदा है दिन रात जो उसके मन विच वसया है, किस रीति नाल इसने धन इकट्ठा किया है। धन प्राप्त करन विच बड़ी मुश्किल हुंदी होवेगी। तद दरबाना ने कहा, हे महान दरवेश, एक समय बादशाह कारू ने अपने सारे वजीर बुला ले, कठोर वचन बोल के उन्होंने पूछण लगा कि किसे होर थां धन नहीं है, मेरी वलैत विच किते बचा है, मैनू सब कुछ सचो सच दस दिओ। वजीरां ने डर के बेनती कीती कि किते भी हुण चांदी दा सिक्का नहीं बचा है। सर्द रुत्त दे बदल जिवें जलहीन हुंदे हन, इस तरह सारा देश चांदी दे सिक्कियां तों रहत हो गया है। बादशाह ने सारे देश विच खोज कीती, पर एक भी चांदी का सिक्का वह लभ ना सकिया। यह सुन के कारू ने अपनी पुत्री नूं बुलाया अते वजीरां नूं कहा, इस नूं बाजार विच जा के वेचो, जिहड़ा भी मनुख एक चांदी का सिक्का इसका मुल देवे वह बादशाह की पुत्री नूं लै लवे। इस तरह कह के बाजार विच खड़ी कर दिती। उस लड़की का मुखड़ा चंद वर्गा सी अते सुंदर नैण सन। एक 14 साल का बाल आया, उसका सरूप वेख के वह ललचा गया। वह तद माता पास दौड़ के गया ते आतर हो के इस तरह बोलिया, हे माता जी, मैनू एक चांदी का सिक्का दे दिओ अते बादशाह की पुत्री लै लो, उसका रूप बहुत सुंदर है,
इस सौदे विच बहुत वड्डा लाभ है। उसकी माता ने कहा, हे पुत्र, एक भी चांदी का सिक्का नहीं है, भावें सारा देश भी खोज के वेख लवो। जे साढ़े पास कीमत ही नहीं है तो सौदा लैण की गल ही क्यों करता है। फिर बच्चे ने बहुत हट किया, कहण लगा, मैनू तुरंत लैके दियो, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल है। अते पौटनी खा के धरती ते डिग पिया। माता रो के बहुत चिंता करन लगी। पुत्र नू अपने हत्थां विच फड़ के कहण लगी, जद मेरे पिता नू धरती विच दबाया सी तां एक चांदी दा सिक्का उसदे मूँह विच पाया सी। जे रह नहीं सकदा तां अपने पिता दे मूँह विचों चांदी दा सिक्का कढ लै। ये सुन के बालक बहुत खुश होया। जिथे पिता दी कबर दसी सी उस थां नू जा के पुट्टण लगा। झट ही चांदी दे सिक्के नू कढ लिया ते खुश हो के बाजार विच गया। जद चांदी दा सिक्का लैके देण गया तां कारू ये सुन के बहुत खुश होया। उस बालक नू तुरंत फड़ के मंगवाया ते लिया के बहुत मारिया ते पुछया, ये चांदी दा सिक्का कित्थों लिआंदा है, सच दस, जे झूठ बोलेगा तां तुरंत मार देंगे। तद बालक ने सचो सच दस दिता, मैं अपने पिता की कबर विचों कढ़िया है, जे साढ़े घर एक भी पाओ तो मैनू जमा दे घर भेज दियो। जद कारू नू इस गल का पता लगा तो उसने सारिया कबर पुटवा लिया। किसी किसी थां तो चांदी के सिक्के लभ ले, इस वर्गा जालम होर कोई नहीं है। गुरु जी ने जद दरबाना पासों यह वार्ता सुनी तो उन्होंने इस तरह वचन किए, यह वड्डा पापी है, यह नरकां विच जाएगा, बड़ा अफसोस है कि जो इसने ऐसी कमाई की है। इसका जगत विच त्रिग जीवन है, इस जगत विच यह बदनामी पाएगा अते मर के बहुत दुख पाएगा। प्रभु परवदगार का जिथे दरबार है ये उत्थे बहुत वड्डा कसूरवार पाया जाएगा। जद महान कष्ट चलेगा तो हाथ मल के पछताएगा। हुण दरबानों एक गल सुनो, कारू नू इस तरह जाके कहो, एक फकीर तुहाडे दरवाजे ते आया है, उसने तुहाडे नाल मुलाकात करन बारे फरमाया है, उसनू रत्ती भर चीज़ मंगण दी भी चाहत नहीं है, मिलन दे कारज बगैर होर कुछ नहीं, बाहर आके दर्शन करो, उहनां दे बचन सुनो अते अपने बचन कहो। गुरु जी दे कोमल बचन सुन के अते भला संत जाण के दरबान अंदर गए। कारू बादशाह दे अगे पहुँचे, हाथ जोड़ के बोले, एक नवा दरवेश आया है, उसका बहुत वड्डा प्रताप वेख्या है, उसके बचन बहुत कोमल हैं, सुभा बहुत चंगा है, सुंदर रूप है, तो सारे ने मन नू भौंदा है, किसी चीज़ मंगण की उसनू चाह नहीं, आप जी नू केवल मिलन वास्ते फुरमाया है। ये सुन के कारू दरवाजे ते आया अते गुरु नानक देव जी के दर्शन किए, हाथ जोड़ के अगे खड़ा हो गया। उस दे नाल मनुखां दा एक समूह भी खड़ा सी। श्री गुरु नानक देव जी उस समय बैठे चुन चुन के ठीकरियां कपड़े विच पा रहे सन। ये वेख के कारू ने कहा, चुन चुन के ठीकरियां किस कारण पा रहे हो, इत्थे बैठे व्यर्थ काम कर रहे हो, किस काम वास्ते इन्हां नूं इकट्ठियां कर रहे हो। यह सुन के गुरु जी ने बचन किए, ये ठीकरियां साडे नाल जाणगियां, इस करके मैं चुन चुन के इकट्ठियां कर रहा हाँ, यह परलोक विच मेरे काम आउणगियां। कारू ने कहा, हे दरवेश, तुसी विचार नहीं कीती, ये ठीकरियां अगे किस तरह जाणगियां। मनुख दा शरीर तां इत्थे रह जांदा है, एक तीले जिनी चीज़ भी नाल नहीं जांदी है। गुरु जी ने कहा, तू देश ते जुल्म करके 45 खजाने इकट्ठे किए हैं, यह किवें तेरे नाल जाणगे, जेड़े पाप ढा ढा के इकट्ठे किए हैं। जेड़ा तेरा वड्डा भरा होया है वह 40 गंज खजाने छड़ के मर गया है, उस दे नाल अगे कुछ नहीं गया है, इस करके तू इन्ना भारी धन इकट्ठा किया है, तेरे नाल यह धन किवें जाएगा, नरकां विच पै के महा दुख पावेगा, कोई होर आके तेरे धन नूं लै लवेगा, जिस कारण तेनू दोजख मिलेगा, यह धन फिर तेरे किहड़े काम आवेगा, जद दोजख विच पै के तू विलकदा होवेगा, जद तन तों प्राण वख हो जाणगे। पहला मनुख धन इकट्ठा करके संभालदा है, जद तू मर जाएगा
ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਉਸ ਬੀਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਭ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਰੂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਧਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅੰਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਰੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੈਦ ਕਰਾਏ ਸਨ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਖੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਪਾਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਪਹਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
गुरु जी के चरण कमलों से मत्था टेकते सन, जेड़े आप श्री गोबिंद सचिदानंद सन। कारू बादशाह दोवें हाथ जोड़ के बोलिया, मेरे उत्ते तुसी थोड़ी मेहर नहीं की है, वड्डा पापी हो के निगर गया सी, तुसी दुखां दा नाश करके मैनू बाह नाल फड़ के कढ़िया है। मेरा हुण भला होवेगा, हिरदे विच एक आस बजी है, आप गुप्त खुदा हो मैनू सच्चा मार्ग दस दिता है। बार बार गुरु जी के चरणों से मत्था टेकदा सी, मन नू अधीन किया सी ते हिरदे विच प्रेम धारण किया सी। फिर मेहर धारण करके गुरु जी बोले, हे कारू, यह ही खुदा नू मिलन दा रस्ता है, तुहाडे उत्ते तुरंत किरपा हो गई है अते तुहाडे सारे महापापा का नाश हो गया है। हिरदे विच करतार का सिमरन करो तां कि संसार बंधना तो तुहाडा छुटकारा हो जाए। कारू ने कहा, तुहाडी मेहर होई है ते तुसी हिरदे विचों लोभ रूपी बेड़ी कट दिती है, मैनू चंगा मार्ग दस्या है, तुसी सारयां दा भला करन आए हो। इस तरह गुरु जी ने उत्थे कई दिन बिताए, उस स्थान दे सब लोगों नू सुखी वसाया, नामदान की सिक्ख्या दिती। जिन्हां ने भी गुरु जी की सिक्ख्या अपने हिरदे विच अपना ली, ओह ही निहाल हो गए। कारू नू ए सिक्ख्या दे के गुरु जी विदा हो गए ते किसे होर स्थान ते चले गए। सो साध संगत जी, इत्थे श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ दे 16वें अध्याय की समाप्ति हुंदी है जी। प्रसंग सुनाउंदे होए होईयां अनेक भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी जी, दास नू आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।